हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपीयर हो रहे हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए फॉर दिसंबर 2019। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, और आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए सो दैट आपको वीडियोज़ का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, विच टूल हेल्प यू टू डिसाइड द ऑफिस लेआउट इन अकॉर्डेंस विद द रिस्पेक्टिव क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ आपसे क्या बोला गया है कि आपके ऑफिस के अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं इनके बीच में कितनी क्लोजनेस है, और इसके बेसिस पे अगर आप अपने ऑफिस का लेआउट डिसाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कौन सा टूल हेल्प करता है। ओके, सो देखिए, अगर हम बात करें ऑफिस के अंदर डिपार्टमेंट्स की, तो यहाँ किसी भी ऑफिस के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका सेल्स डिपार्टमेंट, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके, तो इस तरह के कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑफिस के अंदर। नाउ यहाँ पे बेसिकली ऐसा हो सकता है किसी एक डिपार्टमेंट का ज़्यादा क्लोजनेस हो या ज़्यादा कम्युनिकेशन हो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, अगर आपका सेल्स डिपार्टमेंट, इसका ज़्यादा कम्युनिकेशन है या ज़्यादा क्लोजनेस है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ, तो यहाँ पे कहना ये सही रहेगा कि इन दोनों डिपार्टमेंट को आस पास होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ को प्लान करने में कौन सा आपको टूल हेल्प करता है, तो यहाँ इसको हेल्प करता है रिलेशनशिप चार्ट। ओके, तो ये कैसे हेल्प करता है और ये क्या चीज़ है, हम इसको एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें रिलेशनशिप चार्ट की, तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ओके, यहाँ आपके होते हैं कई सारे टाइप के डिपार्टमेंट्स। ओके, जैसे कि मान लीजिए डिपार्टमेंट 1 है आपका सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, डिपार्टमेंट 2 है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट 3 आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट 4 आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो हम इस बेसिस पे समझते हैं कि यहाँ बेसिकली यह क्या शो करता है। सो देखिए, मान लीजिए आपका सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन दोनों के बीच में ज़्यादा क्लोजनेस है। ओके, तो इसको शो कैसे किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे सर्टेन कोड्स होते हैं। ओके, और कोड्स कैसे कैसे होते हैं, ए ई आई ओ यू एंड एक्स। ए क्या शो करता है कि एब्सोल्यूटली नेसेसरी, दैट इज दोनों डिपार्टमेंट के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है। ओके, तो आप ए से लेके एक्स तक आते जाएंगे तो यहाँ पे बेसिकली जो आपकी क्लोजनेस है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पे ई क्या शो करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लोजनेस तो है बट थोड़ी सी कम है। आई क्या शो करता है, इंपॉर्टेंट, ओ ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस, यू यूनि इंपॉर्टेंट एंड एक्स अनडिजायरेबल, दैट इज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी क्लोजनेस नहीं है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। ओके, तो ये आपका क्या शो करते हैं, डिग्री ऑफ क्लोजनेस। नाउ देखिए, यहाँ पे बेसिकली आपसे क्या बोला गया है, जो आपका सेल्स डिपार्टमेंट है और जो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इनके बीच में अगर क्लोजनेस ज़्यादा है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि क्लोजनेस ज़्यादा है, तो यहाँ इसको कैसे शो किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे जो टेबल है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है बिटवीन द सेल्स डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करके यहाँ पे क्या आ रहा है, ए। ए क्या शो करता है आपका, एब्सोल्यूटली नेसेसरी, दैट इज आपका जो सेल्स डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है इनके बीच में ज़्यादा क्लोजनेस है। ओके, सिमिलरली अगर आप मार्केटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का निकालते हैं तो यहाँ आपका क्या शो कर रहा है, देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट इनका कहाँ आ रहा है, ई पे। ओके, तो यहाँ ई क्या शो करता है, ई शो करता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच में क्लोजनेस तो है बट इतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, जितनी सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बीच में है। ओके, सिमिलरली फाइनेंस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में क्या बना है आपका, एक्स। एक्स क्या शो करता है, अनडिजायरेबल। इसका क्या मतलब है, फाइनेंस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में बिल्कुल भी क्लोजनेस नहीं है। ओके, नाउ अब ये क्लोजनेस किस बेसिस पे डिसाइड की जाती है। देखिए, अगर हम बात करें डिग्री ऑफ क्लोजनेस की, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या क्या है, देखिए सबसे पहला आपको हो सकता है फ्लो ऑफ मटेरियल। ओके, फ्लो ऑफ मटेरियल, इसका क्या मतलब है, मान लीजिए एक डिपार्टमेंट से कोई भी मटेरियल दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों डिपार्टमेंट के बीच में क्लोजनेस होगी।
ओके, तो यहाँ पे इन दोनों डिपार्टमेंट को क्या होना चाहिए, आस पास होना चाहिए, ओके, सो दैट आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम हो। तो यहाँ पे बेसिकली इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में कितनी क्लोजनेस है, इस बेसिस पे आपके ऑफिस का लेआउट, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिसाइड किया जाता है। ओके, नाउ सेकेंड आपका क्या हो सकता है, कन्वीनियंस। ओके, कन्वीनियंस भी एक बेसिस हो सकता है। थर्ड हो सकता है आपका सेम पर्सनल का यहाँ पे क्या मतलब है, अगर मान लीजिए आपके वर्कर दो डिपार्टमेंट के अंदर एक साथ काम कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे बेसिकली दोनों डिपार्टमेंट का आसपास होना जरूरी है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। फोर्थ हो सकता है आपका कम्युनिकेशन। ओके, तो इस तरीके का कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस बताते हैं बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ इससे और क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसको डेवलप किसने किया था, तो इसको डेवलप किया था रिकार्ड मर्थर ने। ओके, रिकार्ड मर्थर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपसे फैक्चुअली पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको मर्थर ग्रिड भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मर्थर ग्रिड। ओके, या तो आप इसको मर्थर ग्रिड बोल लीजिए या रिलेशनशिप चार्ट बोल लीजिए, इसके दो नाम है। ओके, थर्ड चीज इसके अंदर से क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्लोजनेस है इसके अंदर आपका ए क्या डिनोट करता है, ई क्या डिनोट करता है, आई क्या डिनोट करता है, ओ क्या डिनोट करता है, यू क्या करता है और एक्स क्या करता है। अब मान लीजिए आपसे पूछा गया कि मर्थर ग्रिड के अंदर आपका ओ क्या डिनोट करता है, तो ओ डिनोट करता है आपका ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस। ओके, तो इस तरीके से आपको ये भी चीज याद रखनी होगी। चलिए, तो देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिलेशनशिप चार्ट। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें गैन चार्ट की, क्रैशिंग की और ईओक्यू की, सो देखिए आपका गैन चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ओके, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का क्या मतलब होता है, आपको कौन सा प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट के बाद करना है, दैट इज एक सीक्वेंस होता है प्रोजेक्ट का, वो रिप्रेजेंट करता है आपका गैन चार्ट। नाउ थर्ड आपका क्रैशिंग का क्या मतलब होता है, क्रैशिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो लगने वाला टाइम है आप उसको कम से कम में लेके आइए। मान लीजिए आपको कोई भी प्रोजेक्ट 15 डेज के अंदर कंप्लीट हो रहा है, तो आप उसको 15 डेज से रिड्यूस करके कम से कम टाइम में कितना कर सकते हैं। ओके, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी कॉस्ट भी कम से कम हो, दैट इज कॉस्ट भी मिनिमम हो और टाइम भी मिनिमम लगे। ओके, तो इसको बोला जाता है क्रैशिंग। ओके, इसको प्रोजेक्ट क्रैशिंग भी बोला जाता है। नाउ फोर्थ है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू का मतलब ये होता है ऑप्टिमम क्वांटिटी जो कि एक बार परचेस किया जाए। ओके, देखिए मान लीजिए किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए मान लीजिए उसको हर मंथ पे रॉ मटेरियल को परचेस करना पड़ता है। सो यहाँ पे अगर मान लीजिए वो 6 मंथ का रॉ मटेरियल एक साथ ही परचेस करके रख ले, तो यहाँ उसके लिए क्या होगा, वेयरहाउसिंग कॉस्ट होगी। ओके, स्टोरेज कॉस्ट होगी, तो ये सब चीज़ें कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, या तो उसको वो हर महीना ऑर्डर करे या एक साथ ही ऑर्डर करके रख ले, तो इसमें बहुत सारी कॉस्ट एसोसिएटेड होती हैं। तो इसको डिसाइड किया जाता है ईओक्यू के बेसिस पे कि आपको क्या करना चाहिए, आप यहाँ पे एक साथ ऑर्डर करें बल्क में या फिर आप उसको धीरे धीरे ऑर्डर कीजिए। ओके, तो इसमें तीन चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या मतलब है, आप हर बार ऑर्डर करेंगे तो कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी, आपकी परचेज कॉस्ट क्यों, यहाँ पे देखिए अगर आप बल्क में परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, और आप धीरे धीरे परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट कम मिलेगा। और थर्ड आपका वेयरहाउस कॉस्ट क्या है, अगर आप बल्क में परचेस करते हैं तो यहाँ पे उसको स्टोरेज कॉस्ट भी उसकी लगेगी। ओके, तो ये सब चीज़ें कंसीडर की जाती हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, द पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट इज। तो यहाँ बेसिकली आपसे क्या पूछा गया है कि पेसिमिस्टिक टाइम का एस्टिमेट क्या होता है। सो देखिए आपको जो टाइम लगता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के अंदर वो दो तरीके का हो सकता है, सबसे पहले आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम और सेकेंड होता है आपका पेसिमिस्टिक टाइम। ओके, पेसिमिस्टिक टाइम, अब ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है और पेसिमिस्टिक टाइम क्या है। देखिए आपने मान लीजिए प्रोजेक्ट का एक शेड्यूल बनाया, ओके, और उसके अंदर आपने ये देखा कि आप इस प्रोजेक्ट को कम से कम कितना टाइम लग सकता है इसके अंदर, 5 डेज। ओके, और अगर आप बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ भी, आप सारे फैक्टर को कंसीडर करके चल रहे हैं और यहाँ आपको पता चलता है कि आप उसको मैक्सिमम ड्यूरेशन
दैट इज 10 डेज के अंदर कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ आपका पैसिमिस्टिक टाइम ये शो करता है कि अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, ओके, तब भी आप उसको 10 डेज के अंदर कर लेंगे. ओके, और ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या शो करता है कि आपका विद इन कितने दिन में हो जाना चाहिए. ओके, सो देखिए पैसिमिस्टिक थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच होता है कि आप यहाँ पे बेसिकली एक सेफ साइड लेके चल रहे हैं कि मैक्सिमम आप 10 दिन के अंदर काम कर लेंगे, ऑप्टिमिस्टिक आपका 5 डेज के अंदर हो जाना चाहिए. ओके, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा, मैक्सिमम पॉसिबल टाइम इट कुड टेक टू अकम्प्लिश द जॉब. यहाँ पे बेसिकली आपको किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है. ओके, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए. देखिए मिनिमम नहीं होगा, टोटल टाइम भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ये एस्टिमेट की बात कर रहा है, और फोर्थ आपका नन ऑफ द अबव. तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए. चलिए नाउ देखिए यहाँ पे बेसिकली एक डायग्राम है, इसको बोलते हैं पर डायग्राम. ओके, पी ई आर टी डायग्राम. तो इसको आपने पढ़ा होगा पर्ट एंड सीपीएम के अंदर. ओके, तो यहाँ आपका मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन क्या है और मिनिमम टाइम ड्यूरेशन क्या है. देखिए देखिए ये है आपकी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट और ये आपकी कंप्लीशन डेट. तो यहाँ पे जो आपका रेड एरो है ये शो कर रहा है कि आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के अंदर कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा. ओके, और जो आपका ये लाइट ग्रीन एरो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के अंदर मिनिमम कितना टाइम लगेगा. ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपका ग्रीन वाला है ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका रेड वाला पेसिमिस्टिक टाइम. ओके, नाउ देखिए यहाँ पे बेसिकली रेड में हम देखें तो यहाँ आपका 10, 8 एंड 12 डेज, दैट इज आपको यहाँ पे टोटल 30 डेज लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के अंदर. ओके, बट यहाँ आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए 2, 7 एंड 3, दैट इज आपको यहाँ पे 12 डेज लगेंगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के अंदर. तो 13 एंड 30, तो आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या डिनोट कर रहा है कि 13 डेज के अंदर आपका काम हो जाएगा, और 30 क्या डिनोट कर रहा है कि आपको मैक्सिमम 30 डेज भी लग सकते हैं. ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ अब ये जो रेड एरो है जो पेसिमिस्टिक टाइम होता है इसको क्रिटिकल पाथ भी बोला जाता है. ओके, क्रिटिकल पाथ. ओके, तो क्रिटिकल पाथ आपका क्या शो करता है, पेसिमिस्टिक टाइम. ओके, जो कि मैक्सिमम ड्यूरेशन शो करता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर ऐसे ही क्विजेस आपको टेलीग्राम पे भी अटेम्प्ट करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिस पे डेली क्विजेस कंडक्ट किए जाते हैं. सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहे हैं, द अप्रोच डेट पुट फॉरवर्ड द फैब्रिकेटेड पार्ट टुगेदर एट अ सीरीज ऑफ वर्क स्टेशन अंटिल द फाइनल गुड इज प्रोड्यूस्ड. इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे बेसिकली एक ऐसा अप्रोच जहाँ पे फैब्रिकेटेड पार्ट को एक साथ रखा जाता है इन अ सीरीज ऑफ वर्क स्टेशन. ओके, सीरीज वर्ड याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंटिल द फाइनल गुड इज प्रोड्यूस्ड. इसका क्या मतलब है कि जो फैब्रिकेटेड पार्ट्स हैं उनको सीरीज में रखा जाता है इन वर्क स्टेशन, एंड कब तक, जब तक फाइनल गुड प्रोड्यूस नहीं हो जाता है. तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है असेंबली लाइन. असेंबली लाइन का यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए आप कोई भी गुड को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सो वो अगर कई सारी स्टेजेस से पास होना है. ओके, तो मान लीजिए अगर हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसके अंदर बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. सबसे पहले उसका मदरबोर्ड प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद उस पर ग्लासेस लगाए जाते हैं, फिर बैटरी लगाई जाती है, फिर फाइनली उसकी बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है. ओके, तो इस तरीके से कुछ स्टेजेस होते हैं, आई थिंक आप मेरे से ज़्यादा बेटर जानते होंगे इसको. बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अप्रोच फॉलो किया जा रहा है उसको क्या बोला जा रहा है, असेंबली लाइन. असेंबली लाइन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे स्टेजेस से पास होना पड़ता है उस प्रोडक्ट को, और यहाँ पे हर स्टेज के अंदर उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है. ओके, तो उसको क्या बोला जाता है, असेंबली लाइन. फैब्रिकेशन लाइन कुछ नहीं होती है, फैब्रिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जनरली ये मेटल प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, जिसके अंदर कटिंग बेंडिंग की जाती है मेटल्स की. ओके, नाउ थर्ड है आपका साइकिल प्रोसेस. साइकिल प्रोसेस का क्या मतलब है, देखिए साइकिल प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे गुड मैन्युफैक्चर हुआ है वो वहाँ प्रोसेसिंग के बाद एंड में वहीं आ जाता है. बट यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे वो फाइनल गुड बन रहा है, दैट इज वो रॉ मटेरियल से फाइनल गुड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. तो ये साइकिल का प्रोसेस तो नहीं होगा. ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए. तो हम एक बार असेंबली लाइन देख लेते हैं कि होता कैसे है. देखिए असेंबली लाइन कुछ इस टाइप का दिखता है, आप इसको देख सकते हैं. देखिए यहाँ पे कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, सबसे पहले आपके वर्कर से कई सारे पास होते रहते हैं प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे जब तक वो फाइनल नहीं बन जाते हैं तब तक वो असेंबली लाइन से
पास होते रहते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, इफ सम वर्कर्स आर वर्किंग ऑन अ ब्रिज विच लेआउट इट वुड बी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ वर्कर्स ब्रिज पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा लेआउट यूज किया जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट, प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट, रिटेल आउटलेट एंड फिक्स पोजिशन लेआउट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट क्या होता है और प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट क्या होता है। तो अगर हम बात करें प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट की, तो इसके अंदर होता क्या है, इसको बेसिकली फंक्शनल लेआउट भी बोला जाता है। ओके फंक्शनल लेआउट, इसका क्या मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना। दैट इज़ आप सेपरेट सेक्शंस बना दीजिए, जिसके अंदर एक के अंदर आप रखिए रॉ मटेरियल, ओके सेकेंड क्या रख सकते हैं यहाँ पे आप स्पेयर पार्ट्स। तो इस तरीके से बहुत सारे सेक्शंस बना के यहाँ पे बेसिकली चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाता है। ओके तो इसको बोला जाता है प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट। अगर हम बात करें प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट की, तो इसको बोला जाता है असेंबली लाइन। तो असेंबली लाइन के बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि किसी भी गुड को मैन्युफैक्चर करते समय उसको कई सारे स्टेजेस से पास आउट होना होता है, तो उसको बोलते हैं असेंबली लाइन या प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट। इसके अंदर होता क्या है, देखिए अगर मान लीजिए इसके अंदर हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ओके लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या लिया था, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, अब लेते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर हम बात करें कार मैन्युफैक्चरिंग की, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले कार का फ्रेम डिसाइड किया जाता है, ओके इसके बाद उसमें ग्लासेस लगाए जाते हैं, टायर्स लगाए जाते हैं, ओके तो कई सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी स्टेजेस से पास आउट होना होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं असेंबली लाइन या प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट। रिटेल आउटलेट के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि रिटेल आउटलेट के थ्रू जो सेलिंग होती है, तो ये बहुत ही इररेलेवेंट ऑप्शन है यहाँ पे। ओके डी की अगर हम बात करें फिक्स पोजिशन लेआउट, तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ओके तो जिस भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पे बेसिकली वो चीज़ मूव नहीं कर सकती, वो अपनी जगह पे फिक्स होती है। यहाँ पे बेसिकली वर्कर जाके वहाँ पे काम करते हैं। ओके सो देखिए यहाँ पे जो ये आपका ब्रिज है, ओके ब्रिज तो मूव नहीं कर सकता, वो जहाँ पे बन रहा है वो वहीं रहेगा, बट यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। ओके तो इसको किस टाइप का लेआउट बोला जाएगा, फिक्स पोजिशन लेआउट। ओके तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, इसका ओरिजिन कौन सी कंट्री के अंदर हुआ था और ये कंसेप्ट कौन सा है। ओके सो देखिए अगर हम बात करें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, तो इसको डेवलप किसने किया था, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखिए इसको डेवलप किया था विलियम डेमिंग ने। ओके अब ये विलियम डेमिंग कहाँ से बिलोंग करते थे, जापान से। ओके सो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका सी और डी आंसर हो सकता है, बट यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है। ओके तो यहाँ पे जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर, उसको बोलते हैं काइजन कॉन्सेप्ट। ओके इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखिए इसका मतलब ये है यहाँ पे कि जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है आपकी यूनिट के अंदर, उसके अंदर आपको क्वालिटी को मैनेज करना है। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके बेसिस पे क्वालिटी को मैनेज किया जाता है। ओके नाउ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, हम क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं, बट इसके जैसी एक सिमिलर टेक्निक भी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी आपके एरर्स हो सकते हैं, ओके तो यहाँ पे हम एरर्स को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। दैट इज एरर्स या डिफेक्ट जो भी है उसको कम से कम रखा जाए। ओके तो उसके अंदर कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, देखिए उसके अंदर एक नॉर्मल कर्व टाइप का डायग्राम यूज किया जाता है, और यहाँ पे उस टेक्निक का नाम आई होप कि आप उसको कमेंट में करके बताएंगे। ओके तो यहाँ पे बेसिकली कौन सी टेक्निक यूज की जाती है जिसके थ्रू एरर्स को या डिफेक्ट को कम से कम रखने की कोशिश की जाती है। ओके चलिए तो आप इसको कमेंट में करके बताइए। नाउ फिफ्थ का आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ओके तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट आपको वीडियोज़ की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।